डेली पंजाब न्यूज़ विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, आई ताज़ा वड्डी खबर। पंजाब दे कॉलेजां लई जारी होया नवा फरमान, लगेगा कई कॉलेजां नूं झटका। हाँ जी, खबर नूं सांझा करन तों पहलां साडे चैनल नूं सबसक्राइब अते वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना भी ना भुलना। हाँ जी, ताज़ा वड्डी खबर है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी वल्लों सरकारी अते प्राइवेट कॉलेजां लई नवें हुकम जारी हो कीते गए हन। हाँ जी, इह तहत सरकार वल्लों 18% GST दी भुगतान दा करना पवेगा। हाँ जी, जदों के इस तो पहला किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज नू किसी भी तरह के टैक्स या फ्री फिर GST नहीं देना पैंदा सी। हाँ जी, दस दिए नवे हुक्मां दे जारी होने तो बाद प्राइवेट कॉलेजां नू काफ़ी धक्का लगा है। कोरोना महामारी कारण लगभग 2 साल तो सारे कॉलेज बंद पए हुए हैं। हाँ, तो अजिहे विच सरकार वल्लों ये फैसला सुनाया जाना काफ़ी हैरानीजनक लग रहा है। हाँ, दस दिए कि पंजाब सरकार वल्लों सिक्ख्या दे उत्ते GST लगाउण दा फैसला काफ़ी ज़्यादा गलत लग रहा है। हाँ जी, दस दिए कि विद्यक अदारे पहला ही काफ़ी घाटे विच जा रहे हैं। हाँ जी, दस दिए कि हुण पंजाब दे सारे कॉलेजां नूं 9% GST पंजाब सरकार अते 9% GST दा भुगतान केंद्र सरकार नूं करना पवेगा। हाँ जी, दस दिए कि पंजाब दे हर प्राइवेट अते सरकारी कॉलेज नूं पंजाब यूनिवर्सिटी तों मानता प्राप्त करन लई हर साल निर्धारित फीस देनी पैंदी है अते पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स भी फीस वक्ख तौर ते देनी पैंदी है। हाँ जी, दस दिए कि पंजाब दे ज़्यादातर कॉलेजां वल्लों ग्रैजुएट डिग्री ही करवाई जाती है। हाँ जी, दस दिए कि इसलिए उन्हां नूं हर साल 20,000 रुपए देने हुंदे हन। इन्हां कॉलेजां विच डिग्री लॉ अते प्रोफेशनल कॉलेज शामिल हैं। हाँ जी, दादी के दूजे पासे एजुकेशन अते फील्ड कॉलेजां यानी कि फिलिंग कॉलेजां नूं 40,000 रुपए देने पैंदे हैं। हाँ जी, साडी खबर इत्थे ही समाप्त हुंदी है जी। मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।